भारत ने बांग्लादेश के साथ क्या रणनीति अपनाई कि पाकिस्तान की बढ़ गई टेंशन? मिशन पाकिस्तान को लेकर भारत क्यों पहुंचे बांग्लादेश आर्मी चीफ? रातों रात एलएसी पर अचानक क्यों एग्रेसिव हुई भारतीय सेना? क्या पीओके पर शुरू हो गया है सर्जिकल स्ट्राइक का काउंटडाउन? दोस्तों, पुंछ कांड के बाद से पाकिस्तान की हालत खराब चल रही है। पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी भारतीय सेना के जवाबी एक्शन के खौफ में जी रही है। पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर पाकिस्तान की आर्मी तक सबको पता है और डर भी पता है इस बार भारत के हाथों पाकिस्तान किस तरह से पीटेगा, और हो सकता है कि इस बार भारत की तैयारी और भी कुछ बड़ी हो। पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने तो यहां तक कह डाला है कि भारत के साथ पाकिस्तान की बड़ी जंग हो सकती है। और दोस्तों, इसी डर का कैलकुलेशन आप पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व चीफ यानी बाजवा के बयान से लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि उनकी सेना कभी भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती है। उनके पास ना तो ढंग के टैंक हैं, ना ही उनमें डालने के लिए डीजल है। और अब भारत में बांग्लादेश के आर्मी चीफ पहुंचे हैं, जिनको देखकर ही पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटने लगे। डर का साया कुछ ऐसा जैसा साल 1971 में देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं। इस वक्त बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में जबरदस्त विरोध चल रहा है। पीओके को लेकर तो मोदी सरकार तक कह चुकी है कि वो भारत का है और भारत उसे लेकर के ही रहेगा। अब दोस्तों, भारत की प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही है। और अब यानी एससीओ समिट के दौरान भारत ने जो कुछ किया है, यकीन मानिए उसके बाद पाकिस्तान में भयंकर हलचल मच चुकी है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान पर तबाही बरसने वाली है और इस बार भारत के साथ बांग्लादेश भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एससीओ समिट की मीटिंग के दौरान भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे और बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल एसएम शफीउद्दीन अहमद ने एक बंद कमरे में जो प्लानिंग तैयार की है, उससे दोस्तों भूचाल मचना शुरू हो चुका है। यानी अब पाकिस्तान का फिर से टूटना तय है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने के लिए भारत साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहा है, और पुंछ हमले के बाद भारत क्यों अचानक से सीमा पर अपने ऑपरेशंस को एक्टिवेट कर चुका है, क्यों अचानक से रातों रात भारतीय सेना अब बॉर्डर पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, और बांग्लादेश को साथ मिलाने के पीछे भारत की रणनीति क्या कुछ हो सकती है। तो दोस्तों, पुंछ में 5 जवानों के शहीद होने के बाद से अभी तक मोदी बिल्कुल साइलेंट हैं, अजीत डोभाल बिल्कुल खामोश हैं, तो एस जयशंकर भी चुप हैं, और जाहिर बात है कि इससे पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है। और अब बांग्लादेश के साथ भारत ने जो कुछ केमिस्ट्री सेट की है, उसने भी पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। उसने जल्दबाजी में भारत को घुस करके मारने वाली धमकी तो दे दी, लेकिन हालात अंदर खाने अब पतले हो चले हैं। तो वहीं भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक से भी बहुत आगे का प्लान कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़ा ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। जंगलों के अंदर सेना ने ड्रोन्स, स्पिनर डॉग्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ ही स्पेशल कमांडो फोर्सेज को उतार दिया है, जो आतंकियों को चप्पे चप्पे पर खोज खोर के खाक करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं पूरी की पूरी नजर अब पीओके पर टिक चुकी है। दोस्तों, सेना को पता चल चुका है कि इस वारदात में चीन की भी मिली भगत है, क्योंकि जो वेपन्स मिले हैं उन पर 71 चाइना लिखा हुआ है। आतंकियों के पास पहले भी चीनी हथियार और कारतूस बरामद हो चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत ने 50,000 से ज्यादा जवानों और भारी हथियारों को अचानक से सीमा पर तैनात कर दिया है। तो वहीं भारतीय वायुसेना ने राफेल फाइटर जेट, सुखोई 30 एमकेआई और मिग 29 को स्टैंड बाई मोड पर रख दिया है। पिनाक रॉकेट लॉन्चर के साथ ही भारत ने अपनी पूरी की पूरी रॉकेट फोर्स को ही एक्टिवेट कर दिया है। भारत ने अपने ऑपरेशंस को बेहद सीक्रेट रखा हुआ है। अब मोदी के किसी भी फोन के साथ ही बड़ा खेल हो सकता है। तो वहीं पाकिस्तान ने सीमा पर अचानक से अपना जमावड़ा बढ़ाया है। पाकिस्तान को इस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत तगड़ा डर लगा हुआ है, क्योंकि पाक आर्मी के पूर्व चीफ बाजवा स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी सेना के टैंक ठीक से काम नहीं कर रहे, उनके पास डीजल तक के पैसे नहीं है। लिहाजा बाजवा के इस खुलासे के बाद अब पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर आ चुकी है, और उसे पुंछ वाली गलती पर बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है, क्योंकि पुंछ वाली गलती उसे अब बहुत भारी पड़ने वाली है।
क्योंकि सेना एक तो कश्मीर में हमलावरों की तलाश कर रही है, तो वहीं पीओके में बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस को अब वो जानकारी हासिल हो चुकी हैं जो पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली हैं, और इसी के चलते उसने एलओसी पर बड़ी संख्या में हथियार और सेना के जवानों को तैनात कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि भारत के डर की वजह से उनके आर्मी चीफ चीन का दौरा करने के लिए अचानक से पहुंचे थे। तो वहीं दोस्तों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त पीओके में घुस करके अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है, क्योंकि इस वक्त पीओके के लोग भी भारत को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं भारत ने अब बांग्लादेश को भी अपने पाले में लेकर के एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बना ली है। दोस्तों भारत ने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को यह बता दिया कि अगर भारत से उलझोगे तो बेमौत मारे जाओगे, और भारत न किसी के दबाव में आने वाला है और न ही अपने देश में घुसपैठ को बर्दाश्त करेगा। अब दोस्तों भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे और बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल शफीउद्दीन अहमद ने एक ऐसी जगह पर मीटिंग फिक्स की जो बाकी मीटिंग से बिल्कुल अलग थी। बांग्लादेश आर्मी चीफ भी इस वक्त दिल्ली में है, और यहां पर जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ दिल्ली पहुंचे तो भारत की कूटनीति का एक नायाब उदाहरण देखने को मिला। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश आर्मी चीफ के साथ चर्चा की। हालांकि ये कौन सी बातचीत हुई ये बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान को लेकर भारत कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है, और हो सकता है कि इस बार बांग्लादेश भी भारत के साथ आ जाए, क्योंकि उसकी आजादी में भारत का रोल सबसे ज्यादा रहा है। इस बात को दुनिया भी जानती है, और वही जिस कमरे में दोनों सेना प्रमुख मिले और हाथ मिलाया उसके ठीक पीछे एक ऐतिहासिक तस्वीर लगी हुई थी। ये तस्वीर थी 1971 की लड़ाई के समय बांग्लादेश के सरेंडर की तस्वीर। भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और बांग्लादेश के सेना प्रमुख शफीउद्दीन अहमद मुस्कुराते हुए मिले, लेकिन इससे दूर बांग्लादेश और रावलपिंडी में बैठे हुए लोगों को ये तस्वीर खटकने लगी, और जाहिर बात है कि इससे पाकिस्तानी आर्मी और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को मिर्ची लगना तय है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि SCO का सदस्य पाकिस्तान भी है, लेकिन उसके रक्षा मंत्री अब भारत में हो रही मीटिंग से नदारद हैं। हालांकि अगले महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में उन्हें कुछ ज्यादा तवज्जो मिलेगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अब अंदर खाने जो खबर आ रही है उससे साफ हो जाता है कि कोई द्विपक्षीय मीटिंग भी होने वाली नहीं है। पाकिस्तान से भारत लगातार कहता आया है कि वो बॉर्डर पार से घुसपैठ को रोक ले, अपने यहाँ भारत के खिलाफ जो लॉन्चपैड बने हैं उनको तबाह करे और अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दे, लेकिन उसने हाल ही में पुंछ जैसा कांड कर डाला है। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर भारत और बांग्लादेश ने मिलकर के न केवल अपने बॉर्डर से रिलेटेड मामलों को सुलझा लिया बल्कि वाटर बॉर्डर से रिलेटेड मामले भी सुलझा लिए हैं। भारत और बांग्लादेश लगातार आर्थिक तौर पर तरक्की करते जा रहे हैं, और हाल फिलहाल भारत ने बांग्लादेश के साथ कारोबारी नहीं बल्कि सैन्य गठजोड़ भी तेज कर दिए हैं। एक और जहां भारत और बांग्लादेश ने भारतीय रुपए और बांग्लादेशी टका में कारोबार करने को रजामंदी दे दी है, तो वहीं मिलिट्री रिलेशंस भी मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों चीन बांग्लादेश की सेना को मदद पहुंचाकर भारत की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर रहा है। हालांकि दोस्तों हाल फिलहाल के दौर में भारत और बांग्लादेश ने समंदर के अंदर अपने गठजोड़ को बहुत तेज कर लिया है। और दोस्तों अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान पर एक बार फिर से चढ़ाई कर देनी चाहिए? क्या भारत को इस बार बांग्लादेश की सेना को भी साथ लेना चाहिए? कमेंट लिखकर के जरूर बताएं।